जय हिंद दोस्तों। ब्रिटिश साम्राज्य के समय में जितनी भी न्यायपालिका थी वो केवल और केवल शाही शक्ति का प्रतीक थी। अंग्रेजों का उद्देश्य जो था वो लोगों को न्याय प्रदान करने का नहीं था, उनका प्रयास जो था वो केवल केवल ऐसी न्याय प्रणाली लागू करने का था जिससे भारतीयों पर लंबे समय तक वो शासन कर सके। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे आई उसके बाद जहांगीर के समय आई थी, सबको मालूम है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु 1706 में हो गई थी और उसके बाद मुगल साम्राज्य जो था वो धीरे धीरे दुर्बल होता चला गया था। उसकी दुर्बलता के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1717 में कलकत्ता के पास के 38 गांवों का राजस्व संग्रह प्राप्त करने का अधिकार उनको मिल गया। राजस्व संग्रह मतलब टैक्स कलेक्शन। उसके साथ साथ उन्होंने धीरे धीरे वहां की न्याय प्रणाली में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने तीन प्रांतों पर भी पूरा कब्जा कर लिया, जो वहां का शासन, टैक्स कलेक्शन और न्याय प्रणाली, वो तीनों के तीनों उन्होंने अपने हाथ में ले लिए। हुआ ये कि वहां पे जो लोकल काजी होते थे या लोकल न्यायाधीश हुआ करते थे उनकी भूमिका समाप्त हो गई। कंपनी के जो अधिकारी थे उनको न्याय प्रणाली में कोई भी प्रशिक्षण नहीं था, फिर भी वो न्यायाधीश बन बैठे। टैक्स कलेक्शन भी करते थे, न्यायाधीश का काम भी करते थे और सारा का सारा उनका काम था किस तरीके से भारतीयों को दबाया जाए, उनके ऊपर शासन कंटिन्यू किया जाए। धीरे धीरे आगे क्या हुआ कि फौजदारी मुकदमे भी कंपनी के अधिकार में आ गए। फौजदारी मुकदमे मतलब क्रिमिनल केसेस। 1765 में जब लॉर्ड क्लाइव गवर्नर बने तो उनके मन में आया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी कंपनी को नहीं रखनी चाहिए अपने पास। उन्होंने इसको वापस न्याय प्रणाली को लोकल लोगों के पास छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि टैक्स कलेक्शन कंपनी के पास, लोकल शासन कंपनी के पास, परंतु शासन का उत्तरदायित्व कंपनी के पास नहीं था। उनको कोई बॉदरेशन नहीं था कि शासन का उनकी उत्तरदायित्व मेरा है या नहीं, केवल शासन और शासन के साथ साथ राजस्व कलेक्शन। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, जब लॉर्ड क्लाइव चले गए वॉरेन हेस्टिंग्स आ गए, उन्होंने थोड़ा सा इंडियन लीगल सिस्टम को रिफॉर्म करने की इच्छा जाहिर करी, किया भी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा को, तीन जो हमारे आज के जो प्रांत हैं, उनको एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उनको डिक्लेयर कर दिया गया। वहां पे कलेक्टर बैठा दिए गए। कलेक्टर का काम अगेन वही, पूरे के पूरे इतने बड़े एरिया में एक कलेक्टर और उसका काम टैक्स कलेक्शन और न्याय का काम करना। फिर यहाँ पे उन्होंने दो तरह की अदालतें बना दी, फौजदारी का मुकदमा की अदालत अलग और दीवानी मुकदमों की अदालत अलग। दीवानी मतलब सिविल केसेस की अदालत अलग। तो उन दोनों के मामले भी इन लोगों के पास आ गए लोकल न्यायाधीशों के बाद। और उसके बाद क्या हुआ कि नेटिव्स के पास जो न्यायपालिका थी उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, जो होने के बावजूद भी उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोशिश करी कि पुलिस और न्याय प्रशासन में कोई बदलाव लेके आए, हुए भी, लेकिन वो बहुत ज्यादा उसके अलावा सक्सेसफुल नहीं हुए। 1786 में कॉर्नवालिस थे, कॉर्नवालिस ने ये एंश्योर कर लिया कि भारतीय न्यायपालिका के जो उच्च अधिकारी थे वो कोई भी भारतीय नहीं होगा, केवल और केवल अंग्रेज होंगे। क्यों? जवाब सिंपल है, भारतीयों के ऊपर शासन कितने देर तक कर सकते हैं और कितना उनको दबा के रखा जा सकता है। वहां की भाषा भी उन्होंने क्या किया कि फारसी या अंग्रेजी, फारसी और अंग्रेजी की भाषा का जो था वो जनरल पब्लिक को उतनी नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था, उसकी वजह से वो मुकदमे दायर ही नहीं कर सकते थे।
जब मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं तो जो है सो है, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन वहां से शुरू हुआ भारतीय नागरिकों के प्रति, ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा। 1800 का जो शताब्दी थी वो मोटा मोटी इसी तरह से चलती रही। 1900 शताब्दी में आने के बाद प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में सबको मालूम है कि भारतीय सेना अंग्रेजों की सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के खूब लड़ी और बहुत उन्होंने श्रेय प्राप्त किया। उसके बावजूद 1919 में अंग्रेज रॉलेट एक्ट लेके आए। रॉलेट एक्ट के बारे में आप लोगों को मालूम है कि नहीं, मैं आपको बता दूं। रॉलेट एक्ट के तहत एक व्यक्ति को अगर उठा लिया जाता है किसी भी क्राइम के लिए, सो कॉल्ड क्राइम, तो ना तो वो व्यक्ति वकील रख सकता है, ना वो व्यक्ति दलील अपनी दे सकता है, और ना वो व्यक्ति अपील कर सकता है। मतलब जो उसको, जो अंग्रेजों ने बोला कि ये इसने ये क्राइम किया हुआ है, उसके बेसिस पे न्यायाधीश उसको सजा दे देगा और सजा देने के बाद उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। ये फेमस हो गया रॉलेट एक्ट, नो दलील, नो वकील, नो अपील। मेरे को ध्यान में नहीं है कि ये रॉलेट एक्ट कंटिन्यू किया कि बाद में समाप्त कर दिया गया, मेरे को पूरी नॉलेज नहीं है। परंतु अब यहां से मैं आता हूं 1947 के बाद हमारे न्याय प्रणाली, हमारे आजादी के बाद के न्याय प्रणाली में। सबसे पहला बात, आज भी न्यायाधीशों को हम माय लॉर्ड करके एड्रेस करते हैं, जो ब्रिटिश के समय में हम लोग माय लॉर्ड करके एड्रेस करते थे। कहां के लॉर्ड आ गए, ये भगवान है क्या? हम लोग बोलते हैं लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम। मैं तो खैर उसमें भी अग्री नहीं करता हूं, हम भगवान को लॉर्ड नहीं कहना चाहिए, हमको श्री कृष्ण या श्री राम कहना चाहिए। थोड़ा सा मैं बहक गया, परंतु फिर भी हम न्यायाधीशों को माय लॉर्ड क्यों बोलते हैं, हम उनको भगवान क्यों मानते हैं? ये वही ब्रिटिश सिस्टम चलता आ रहा है। दूसरा, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। उस जमाने में जो ब्रिटिश के न्यायाधीश थे वो इंग्लैंड से उनका अपॉइंटमेंट हुआ करता था, कोई उसकी प्रणाली नहीं थी, कोई उसका तरीका नहीं था, केवल और केवल कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। और आज क्या सिस्टम है, हमारा कॉलेजियम सिस्टम है जिसमें भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कुछ जज, सीनियर जज मिलके डिसाइड कर लेते हैं हाई कोर्ट से कौन से जज को हमको सुप्रीम कोर्ट में लाना है, सेशन कोर्ट से कौन से जज को हमको हाई कोर्ट में लाना है। कोई उसका सिस्टम बना हो, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी हो, कुछ भी नहीं है। सरकार के पास मोटा मोटी फेट अकम्पली होता है कि ये जज आप अपॉइंट कर दीजिए। एकाध जज को आप रिजेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, मोटा मोटी उन जजेस को अपॉइंट करना पड़ता है सरकार को। तीसरी चीज, ये ब्रिटिश से नहीं है, ये आज की प्रणाली हो गई है। जो गैर जरूरी केसेस हैं वो तो सुनवाई बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे हमारा सबरीमला का केस। प्योर एंड सिंपल फेथ का काम है ये, उसके बाद भी उसकी सुनवाई हुई। दही हांडी, क्या इंपॉर्टेंस है दही हांडी की, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में उसका डिसीजन हुआ। परंतु कितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पड़े रहते हैं, हाई कोर्ट में पड़े रहते हैं, सेशन कोर्ट में पड़े रहते हैं, उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती है। वर्षों 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 निकल जाते हैं, लोगों को मालूम है 30-30 साल निकल जाते हैं, 50-50 साल निकल जाते हैं केसेस के लिए, आदमी मर जाते हैं, उनकी जो आगे की जेंडो, जो आगे के लोग हैं उनके उसके अंदर, वो भी उसके अंदर पिस जाते हैं। आज हमारे देश में ये न्यायपालिका की जो प्रणाली है, बहुत अधिक रिफॉर्म की आवश्यकता है।